नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन और रशियन का ज्वाइंट वेंचर दोस्तों क्या करने वाला है, 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोवाइड करने वाला है। किसको भैया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो ये आपके जो बोलते हैं ना, यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हो ये आपका AK-203 असॉल्ट राइफल है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक अलग ही न्यूज आ गई कि नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं रशिया। उसके पहले दोस्तों इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोवाइड कर दिया। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अब यहाँ पे दोस्तों 8 से लेकर के 10 जुलाई तक मोदी जी कहाँ पे रहेंगे? रशिया रहेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये आकलन लगाया गया कि जैसी न्यूज आएंगे मोदी जी जाने वाले हैं रशिया, तो लोगों ने अलग अलग आकलन निकालना शुरू कर दिया। लोगों डिफेंस सेक्टर पे बात होगी, जो हमारी पेंडिंग डील होगा उसके ऊपर बात होता है, ऑयल पे बात हो सकता है, बिजनेस पे बात हो सकता है, तो बहुत सारे पॉइंट इस पे डिस्कस हो सकता है। एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल में देखा गया 2019 के बाद बोलते हैं ना इंडिया और बोलते हैं ना रशिया के बीच में थोड़ी सी दूरियां देखने को मिल गई कि मतलब मीटिंग्स नहीं हो पाई, ना तो पुतिन मिल पाया ना तो मोदी मिल पाए। अब उसमें क्या हो गया कि चाइना बोलते हैं ना रशिया के पास में ज्यादा था, भोले भोले पहुंचने लगा, तो इंडिया को समझ में आ गया भाई साहब दूरी बढ़ रही है और अपने को इस दूरी को कम करना है। अभी बोलते हैं ना इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं देखना है, मिलना है तो मिलना है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो राइफल्स जो बनाई जा रही है, कितनी राइफल्स बनाई जा रही है दोस्तों, तो 6.1 लाख राइफल्स बनाई जाने वाली है। एक कहानी की शुरुआत कभी होती है दोस्तों? 2019 में 5,000 करोड़ का दोस्तों क्या दिया गया था? कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था दोस्तों? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को। कितने का ऑर्डर था सर? 5,000 करोड़ का, जिसके अंदर 6.1 लाख क्या होगी राइफल्स बनाई जाएगी, उसमें से 70,000 राइफल जो दोस्तों 5 से 70% क्या रहेगी? लोकली बनाई जाएगी। कहने का मतलब 70,000 राइफल्स में जो सामान लगेंगे वो भारत के अंदर बने रहेंगे। उनका परसेंटेज 5 भी हो सकता है, 10, 50, 70 तक हो सकता है, लेकिन मतलब कहने का मतलब 70% तक बोलते हैं लोकली बनाया जाएगा, तो 30% का जो सामान है वो डायरेक्टली बोलते हैं ना रशिया से बन करके आएगा, यहाँ पे सीधा असेंबल किया जाएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में 70,000 तो बोलते हैं ना इसी तरह से बनाया जाएगा, बाकी के जितने भी राइफल्स रहेंगे उनको 100% बनाया जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। मतलब यह भारत के अंदर जितने भी सामान बनाए जाएंगे वही कंपोनेंट्स को असेंबल करके उस राइफल को रेडी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि इसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? कोरबा ऑर्डनेंस फैक्ट्री इन अमेठी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सेटअप यहाँ पे बोलते हैं ना यूपी में ऑलरेडी है और इस पे काम चल रहा है। आई होप से कि बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं ना पूरा 100% बोलते हैं ना मेक इन इंडिया के तहत इसको और अधिक मात्रा में बनाया जाएगा। जो जो क्वांटिटी है 6.1 लाख उसको भी ज्यादा आगे तक करके बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि 35,000 जो बोलते हैं असॉल्ट राइफल्स डिलीवर की गई है, उसमें से 10,000 क्या कर दिया गया है? सेना को दे दिया गया है और 25,000 राइफल्स का इंस्पेक्शन हो चुका है। अब जल्दी उन्होंने ट्रूप्स को प्रोवाइड कर दिया जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि जो 203 असॉल्ट राइफल है ये ना दोस्तों ना AK-200 राइफल का क्या एक वर्जन है। तो आप जरा जूम कर देता हूं, आप देख सकते हो AK-200 है और यहाँ पे AK-204 देख रहे हो आप यहाँ पे है और यहाँ पे AK-203। तो आप इमेज से देख सकते हो कि ज्यादा कुछ इनके मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, इमेज से नहीं दिखाई दे रहा है, बस इसमें क्या थोड़े से अपडेट कर दिए गए हैं। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये बोलते हैं ना आर्टिकल आप समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।